गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज इंडिकेटर्स। अभी हम इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एसिड्स बेसिस, ओके। सो नाउ लेट अस कंफर्म कि हाउ टू प्रिडिक्ट कि समथिंग इज एसिडिक, समथिंग इज बेसिक इन द नेचर। यानी हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास कोई भी फूड मटेरियल है या कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी सॉल्यूशन है, वेदर इट इज एसिडिक और इट इज बेसिक इन द नेचर। तो नाउ सी वट आर इंडिकेटर्स। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताना चाहूंगी कि वट आर द इंडिकेटर्स। दीज आर द सब्सटेंसेज विच इंडिकेट्स द नेचर ऑफ अ सोल्यूशन। ये वो सब्सटेंसेज होते हैं जो किसी भी सोल्यूशन के नेचर के बारे में हमें बताते हैं कि वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक, बेसिक और इट इज न्यूट्रल इन द नेचर। तो नाउ वट वी कैन से इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंसेज विच टेल्स अस अबाउट द नेचर ऑफ अ सोल्यूशन, वेदर द सोल्यूशन इज एसिडिक और इट इज बेसिक और इट इज न्यूट्रल इन द नेचर। क्लियर टू यू? सो बेसिकली दीज आर द कलर्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज। बेसिकली ये अपने आप में कलर्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हैं, और वी कैन से दीज आर द कलरफुल डाइज। अपने आप में ये कलरफुल डाइज होती हैं, विच वी एक्सट्रैक्ट आइदर फ्रॉम द प्लांट्स और दे आर प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरीज। या तो ये हमें प्लांट से मिलते हैं, वी कैन से वी कैन एक्सट्रैक्ट देम फ्रॉम द प्लांट्स और वी कैन प्रिपेयर देम इन द लेबोरेटरी विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स। क्लियर टू यू? सो इंडिकेटर्स दे आर ऑफ थ्री टाइप्स, तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट वन आर द नेचुरल इंडिकेटर्स, सेकंड वन आर द सिंथेटिक इंडिकेटर्स एंड द थर्ड कैटेगरी द डिफरेंट दैट इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। सो वेरी फर्स्टली लेट्स सी, द फर्स्ट इज द नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स एज द नेम इंडिकेट, जैसा कि हमें नेम से ही पता चल रहा है कि दीज आर फाउंड इन द नेचर, यानी प्रकृति में ही हमें ये पाए जाते हैं एंड दे आर फाउंड इन द नेचुरल फॉर्म। We extract them from different types of plants. Generally, हम इन्हें अलग अलग तरह के प्लांट से extract करते हैं। So we can say the natural indicators are litmus, turmeric, हल्दी जो घर में यूज करते हैं, red cabbage extract, यानी red गोभी का जो juice होता है, that is red cabbage extract. Then petals of the flowers. Flowers का जो colorful part होता है, that is said to be the petals. So we can say flowers के petals भी हम use करते हैं as the natural indicators. After that, synthetic indicators. Second one are, we can call them synthetic indicators because they can be prepared in the laboratory with the help of different types of chemicals. So that's why we call them the synthetic indicators. These are methyl orange and the phenolphthalein. देखिए दोनों solution हमारी lab में available है. Methyl orange we have used in the practical. हमने practical में भी use किया हुआ है. After that, phenolphthalein. These two are the synthetic indicators. Now the third one are the olfactory. Add this onion juice and vanilla juice with the different types of substances so we can predict whether these are acidic, basic or neutral in the nature. Okay, now we are going to start with the natural indicators. अभी हम indicators के types को अलग अलग explain करेंगे. Very first is the natural indicators. तो students, natural indicators are those indicators which are found in the nature, जो कि nature में पाए जाते हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं, natural form में पाए जाते हैं, and they are mostly extracted from the plants. वो plant से ही extract होते हैं and these are available in the form of different dyes, जो कि dyes की form में available रहते हैं. तो very first example take टर्मरिक. बहुत जनरल एग्जाम्पल है. घरों में हम हल्दी जो यूज कर रहे हैं, दैट इज अ डाई. वो भी अपने आप में एक डाई है, वो भी अपने आप में एक नेचुरल इंडिकेटर है. सो नाउ सी हियर, इट इज अ येलो कलर्ड डाई. ये अपने आप में येलो कलर की डाई होती है. इज इट क्लियर? थ्रू विच वी यूज टू आइडेंटिफाई. इसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसे? एसिड्स, बेसिस और न्यूट्रल सब्सटेंसेस को सेपरेट कैटेगरीज में. सो नाउ सी, इफ वी एड दैट टर्मरिक इन द एसिडिक सोल्यूशन, अगर हम टर्मरिक को एसिडिक सोल्यूशन में एड करते हैं तो देयर डजंट अकर एनी चेंज. उसके कलर में कोई चेंज नहीं आता और वी कैन से इट रिमेन्स द सेम. After that, if we add it to the basic solution, if we add the some powder of turmeric into the, we can say, basic solution, then there occurs a change. And change, we can say, it changes to the red color. After that, again, there is the neutral solution. अगर third category हम neutral solution की लेते हैं, again, there will be no change. कोई change उसमें नहीं होगा. Or we can say, the color remains same, that is, yellow in the color. वो as it is रहेगा, yellow ही रहेगा. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर बेसिक सॉल्यूशन में जब हम उन्हें ऐड करते हैं तो दे चेंजेस रेड टू द कलर. जनरली आपने देखा होगा कि हल्दी का दाग, जैसे ही हम साबुन में, वी कैन से डिटर्जेंट्स में, जैसे ही हम हल्दी के दाग वाले कपड़े को डालते हैं, इट चेंजेस टू रेड इन कलर. वो कलर में रेड हो जाता है. तो दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर इट कि वो कैसा, यानी जो सॉप्स एंड डिटर्जेंट्स हैं उनका नेचर कैसा है. दोज आर बेसिक इन द नेचर. वो नेचर में कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं. दैट्स वाई द पैच ऑफ द टर्मरिक, इट चेंजेस टू द रेड इन द कलर. ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड टू द सेकेंड, दैट इज लिटमस. लिटमस क्या होता है? इट इज अ पर्पल कलर्ड डाई.
ये पर्पल कलर की डाई अवेलेबल होती है विच इज टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लाइकन्स, जो कि लाइकन्स से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लाइकन्स का जूस निकाल करके उसमें से एक्सट्रैक्ट आउट होता है। तो देखिए व्हाट आर लाइकन्स, लाइकन्स आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है क्या होते हैं। दिस इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगी एंड साइनोबैक्टीरिया, यानी फंगी और साइनोबैक्टीरिया का जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन, लेन देन का जो रिलेशनशिप बताया था, उसे क्या कहा गया था, लाइकन्स। यानी जब फंगी और साइनोबैक्टीरिया एक साथ एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें हम एक नया नाम देते हैं, दैट इज लाइकन्स। सो दैट इज दीज लाइकन्स आर द प्लांट्स, वी कैन से दीज आर ऑल्सो द प्लांट्स, ये भी एक तरह के प्लांट्स ही होते हैं। सो नाउ वी कैन से दैट व्हेन दिस पर्पल कलर्ड डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लाइकन्स, व्हेन इट इज एडेड टू द एसिडिक सोल्यूशन, जब उसे हम एसिडिक सोल्यूशन में एड करते हैं तो सोल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है एंड इट बिकम्स ब्लू लिटमस सोल्यूशन। जो सोल्यूशन हमारे पास अब बनेगा वो कैसा होगा, ब्लू लिटमस सोल्यूशन। After that, when this purple color dye, it will be added to the basic solution. जब इसे basic solution में add करते हैं तो color changes to the red. Or we can say the solution obtained will be called as a red litmus solution. अब जो solution हमारे पास आएगा उसे हम क्या कहेंगे, red litmus solution. Clear to you? Now we will use this blue and red litmus solution. इस blue litmus और red litmus solution का हम use करेंगे कि blue litmus strips, ये strips की form में हमारे lab में available रहते हैं, paper strips की form में। तो ब्लू लिटमस स्ट्रिप्स को जब हम एसिडिक सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो इट विल चेंज टू द रेड कलर, उसका कलर कैसा हो जाएगा, द कलर विल चेंज टू द रेड। आफ्टर दैट स्ट्रिप इट विल बिकम रेड इन कलर, नाउ दैट रेड स्ट्रिप विल बी टेकन एंड इट विल बी डिप्ड इन द बेसिक सॉल्यूशन, जब इस रेड कलर के स्ट्रिप को लेकर के हम बेसिक सॉल्यूशन में डिप करेंगे इट विल चेंज टू द ब्लू कलर, द कलर चेंजेस टू ब्लू। नाउ एनी ऑफ दीज पेपर्स और आई, देयर विल बी नो चेंज इन द कलर। तो इस तरह से हमारे पास दो कंप्लीट हुए, फर्स्ट वन इज द टर्मेरिक, सेकंड वन इज द लिटमस। ओके, नाउ द थर्ड इज रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, मींस वी कैन से रेड कैबेज जूस आल्सो वी कैन यूज एज द इंडिकेटर। सो वेरी फर्स्ट व्हेन वी विल ऐड दिस रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट इनटू द एसिडिक सॉल्यूशन, जब इसे एसिडिक सॉल्यूशन में हम ऐड करेंगे देयर विल बी नो चेंज इन द कलर, तो कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो किसी भी सॉल्यूशन में जब हम रेड कैबेज जूस ऐड करते हैं और उसमें कोई कलर चेंज नहीं आता, उसके कलर में कोई चेंज नहीं आता, तो वी कैन कॉल इट इज द एसिडिक सॉल्यूशन। देन इफ यू आर हैविंग अ सॉल्यूशन एंड वी ऐड अगेन द रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट एंड इफ द कलर चेंजेस टू ग्रीन, अगर उसका कलर चेंज होकर के कैसा आ जाता है, ग्रीन आ जाता है, देन वी कैन से दैट सॉल्यूशन इज द बेसिक सॉल्यूशन। एंड द थर्ड वन, व्हेन the color changes to purple, if the color changes to purple then we can say the solution is neutral, wo solution hamare paas jo available hai that will be a neutral solution. So students dekhiye red cabbage juice or we can say extract is also used as an indicator. जब भी हम रेड कैबेज इंडिकेटर को किसी भी, और वी कैन से रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट को किसी भी सॉल्यूशन में मिक्स करेंगे तो अगर कोई चेंज कलर में नहीं आता है देन व्हाट वी कैन से, द सॉल्यूशन इज एसिडिक। एंड इफ द कलर चेंजेस टू ग्रीन वी कैन से द सॉल्यूशन इज बेसिक। एंड इफ द कलर चेंजेस टू पर्पल देन द सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। देन द फोर्थ वन, द पेटल्स ऑफ फ्लावर्स, यानी कलरफुल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स, उनका जूस भी किसके लिए यूज होता है, एज एन इंडिकेटर, देयर जूस इज ऑल्सो यूज एज एन इंडिकेटर। तो पेटल्स ऑफ द हाइड्रोजीना प्लांट, ये एक प्लांट होता है विच इज फाउंड इन द वॉटर, सो इट इज वी कैन से पेटल्स ऑफ हाइड्रोजीना प्लांट विच आर ब्लू इन द कलर, ये ब्लू कलर के पेटल्स इसके होते हैं, दोज आर ऑल्सो यूज एज एन इंडिकेटर, वो भी इंडिकेटर के तौर पर ही यूज होते हैं। सो नाउ सी इफ देयर एक्सट्रैक्ट इज एडेड टू द एसिडिक सॉल्यूशन देयर नो कलर चेंज अकर्स, कोई चेंज उसके कलर में यहाँ पर नहीं आता। And if we add that to the basic solution, then color changes to the pink. उसका color कैसा हो जाता है? Pink हो जाता है. And the third one, if we add that extract into the neutral solution, again there is no change into the color. So we can say, if we add, in short हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम उस extract को किसी भी solution में dip करते हैं, so किसी भी solution के साथ add करते हैं, अगर वहाँ पर कोई भी color change नहीं हो रहा, then it is a acidic solution. And we can say color, if the color changes to pink, then it is a basic solution. And if there is again no color change, then there is a neutral solution. तो दोनों acidic और neutral के केस में कोई change नहीं होगा, सिर्फ basic के केस में change कैसा, we can say color कैसा change हो जाएगा, that will be pink in the color. Okay, now see the second type of indicators, that are the synthetic indicators. Synthetic indicators are those indicators which are found in the, or we can say which are prepared in the laboratory with the use of different types of chemicals. जो अलग अलग तरह के chemicals का use करके हम laboratory में तैयार करते हैं, those are said to be the synthetic indicators.
So synthetic indicators mein we will study the two indicators. One is the phenolphthalein, another one is the methyl orange. So first is phenolphthalein. It is an organic dye. Ye organic dye hoti hai which is colorless, jiska koi color apne aap mein nahi hota. So when we add that phenolphthalein in the acidic solution, जब इसे acidic solution में हम add करते हैं तो color we can say there is no change in the color, कोई color उसमें कोई change उसके color में नहीं आता. Then after that there is a neutral solution. जब उसे हम neutral solution में add करेंगे then we can say again no change in the color, फिर से कोई change उसके color में नहीं आता. But if we add it to the basic solution, अगर उसे हम basic solution में add करते हैं, the color changes to the pink, या pink color appears there. उसका color कैसे suddenly उसका color change हो जाता है and it appears pink in the color. So अगर किसी भी solution में हम उसे add करते हैं, उसका color अगर pink color आ जाता है, तो we can say that is basic. Otherwise it is either acidic or it is neutral in the nature. Then next one is the methyl orange. कि methyl orange ये ऑरेंज कलर की डाई अवेलेबल होती है. इट इज ऑरेंज कलर्ड डाई अवेलेबल इन द लैब. ये हमारे पास लैब में अवेलेबल होती है. हमने पहले भी नाइन्थ क्लास में एक्सपेरिमेंट किया था बाय यूजिंग दिस मिथाइल ऑरेंज. ओके, नाउ सी इफ दिस मिथाइल ऑरेंज इज एडेड टू द एसिडिक सॉल्यूशन. अगर इस मिथाइल ऑरेंज को हम एसिडिक सॉल्यूशन में एड करते हैं देन कलर चेंजेस आइदर टू द रेड और वी कैन से पिंक. तो रेडिश पिंक कलर अपीयर्स. देन इफ वी एड इट टू द बेसिक सॉल्यूशन, अगर मिथाइल ऑरेंज को हम बेसिक सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो कलर चेंजेस टू येलो. तो जैसा भी कलर आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे. इफ द पिंक कलर अपीयर्स देन द सॉल्यूशन इज एसिडिक, इफ द येलो कलर अपीयर्स देन द सॉल्यूशन इज बेसिक इन द नेचर, एंड इफ देयर इज नो कलर नो चेंज इन द कलर देन वी कैन से द सॉल्यूशन इज न्यूट्रल इन द नेचर. सो इन केस ऑफ न्यूट्रल देयर इज नो चेंज इन द कलर ऑफ द. So now we are going to start with the olfactory indicators, third type of indicators. We can say with the help of these, the different smell, different types ki smell se hum jo indicate karte hai ki whether the substance is acidic, basic or neutral in the nature. So very firstly, as an olfactory indicator, we can use the onion extract. Onion juice ko hum use kar sakte hai as an indicator. So onion juice, it has very pungent smell, बहुत तीखी इसकी smell होती है. When it is added to the acidic solution, जब हम onion extract को add करते हैं to the acidic solution, for example hydrochloric acid, then the smell remains same, यानी same pungent smell उसमें से appear होगी. There will be no change in the smell, or we can say the same smell will be observed. Clear? So after that, there is, if we add this onion extract to the basic solution, अगर इस onion extract को हम basic solution में add करते हैं, for example it is NaOH, this is sodium hydroxide solution, then the smell gets destroyed, यानी onion smell उसमें से disappear हो जाएगी, तो smell gets destroyed. So here we can say the solution will be basic in the nature. अगर smell as it is आती है किसी solution में add करने के बाद, then the solution is acidic. और अगर smell destroy हो जाती है, smell disappear हो जाती है, then the solution is basic in the nature. तो similarly, we can use the vanilla extract. Vanilla, vanilla का जो juice होता है, that is also we can use as an indicator. उसे भी हम indicator के तौर पर use कर सकते हैं. So here it is acidic solution. Very first is the acidic solution. कि acidic solution में अगर हम vanilla extract को add करते हैं, तो smell remains same. But if we add it to the basic solution, अगर उसे हम basic solution में add करते हैं, तो smell gets destroyed. Similar, दोनों cases में similar conditions रहती हैं. Clear to you? So vanilla extract, जब हम add करेंगे किसी भी we can say solution में, if the smell remains same, अगर smell जो है वो same रहती है, then the solution is acidic. And if the smell disappears and destroy, अगर smell disappear हो जाती है, destroy हो जाती है, then we can say the solution is basic in the nature. Okay students, that's all for today. Thank you and have a